टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों तेल, तिलहन और सोयाबीन तेल कीमतों में गिरावट आई है। वहीं घरेलू मांग होने की वजह से मूंगफली तेल, तिलहन, सोयाबीन तिलहन की कीमतों में सुधार भी आया है। बेहद मामूली कारोबार के बीच सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन दिगम तेल सहित बिनौला, सीपीओ और पामोलिन तेल कीमतें पूर्व स्तर पर बनी रही। वहीं इंदौर के संयोगितागंज अनाज मंडी में मसूर के भाव में 150 रुपये प्रति क्विंटल की जो तेजी है वो शनिवार की तुलना में हुई है। चना का आटा 50 रुपये प्रति क्विंटल सस्ता बिका है। बाजार के जानकार सूत्रों का ये कहना है कि ऊंचे भाव पर मांग होने से कच्चा पाम तेल और पामोलिन के जो भाव है वो अपरिवर्तित रहे हैं, जबकि शिकागो एक्सचेंज में नरमी और ऊंचे भाव पर लिवाली घटने तथा वार्षिक लेखाबंदी का जो समय नजदीक होने की वजह से कारोबार बेहद सीमित मात्रा में होने के बीच सोयाबीन इंदौर और सोयाबीन दिगम तेल कीमतें पूर्व स्तर पर बनी रही हैं। सोयाबीन दिल्ली के भाव में जो मामूली है गिरावट भी आई है। सूत्रों ने कहा है कि वार्षिक लेखाबंदी का समय पास आने के साथ कारोबार सीमित होने तथा विदेशी बाजारों में आई गिरावट के दबाव में सरसों तेल तिलहन के भाव भी नुकसान के साथ बंद हुए हैं। तो ये थी बात कि कैसे सरसों तेल, तिलहन और सोयाबीन तेल की कीमतों में आज गिरावट देखी गई है। तो बड़ी खबर में अभी यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। यू में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।